तो स्वागत है भाई आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने चैनल केपीएम फैंटेसी एक्सपर्ट पर। और भाई आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए कवर करने वाला हूं जो केन्या वर्सेस नेपाल के बीच 5 T20 मैचेज की जो सीरीज खेली जाएगी उसका जो फर्स्ट T20 मैच आज खेला जाएगा। तो भाई इस मैच में आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है दोनों टीम्स के बारे में। यहाँ पर देखिए एक चीज़ मैं आपको क्लियरली बता देता हूँ कि आप थोड़ा सा फेवर देकर चल सकते हो नेपाल की टीम को, क्योंकि केन्या की टीम के सामने नेपाल की टीम थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग नजर आ रही है। तो यहाँ पर चांसेस है कि ज्यादा चांसेस ये है कि भाई नेपाल की टीम यहाँ पर विनिंग लेती दिखे, और नेपाल की टीम जीतेगी तो भाई प्लेयर्स भी ज्यादा नेपाल के ही इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। और भाई जो चीजें आपको इस वीडियो में इस मैच के बारे में मैं बताऊंगा ना कहीं पर भी आपको नहीं मिलेंगी, तो वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक कंप्लीट देख लीजिएगा। वीडियो का कोई भी पार्ट भाई आपको स्किप नहीं करना है, अदरवाइज इसमें आपका ही लॉस है। और अगर आप वीडियो कंप्लीट देखते हो तो ये मेरी गारंटी कि आपको हराने के लिए सामने वाले को दिन रात एक करने पड़ेंगे, दिमाग के घोड़े दौड़ाने पड़ेंगे भाई उसे, तब जाके वो आपको टक्कर दे पाएगा। अगर भाई आप वीडियो एंड तक देखोगे ना तो आपके रिजल्ट कुछ इस प्रकार के मिलेंगे जो हमारे मेंबर्स के रहते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो एक तरफा विनिंग यहाँ पर हमारी चल रही है। ये सिर्फ कल रात के 3 मैचेस के रिजल्ट मैंने शेयर किए, सिर्फ 3 मैच। ये 3 मैच कौन से थे? एक तो भाई द 100 मेंस का, प्लस द 100 वुमेंस का, प्लस भाई एशिया कप का जो सेकंड क्वालिफायर मैच जो कि थोड़ा सा एवरेज सा ही गया था, ज्यादा अच्छा भी नहीं गया। ये नहीं था कि उसमें हमने सारे कॉन्टेस्ट विन किए थे, बट 70% कॉन्टेस्ट हमने वहां पर भी विन किए थे। और बाकी जो द 100 मेंस और वुमेंस है उसमें तो भाई 100% रिजल्ट, अल्टीमेट क्लीन स्वीप जिसे बोलते हैं ना, वो रिजल्ट आपके भाई ने दिए थे। रिजल्ट आप लोग टेलीग्राम पर देख सकते हो। इसके अलावा टेलीग्राम चैनल आपको ज्वाइन भी कर लेना है, क्योंकि जो भी मेरी फाइनल टीम रहेगी इस मैच की वो आपको मिलेगी टेलीग्राम चैनल पर। तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, या फिर इसी वीडियो के फर्स्ट कमेंट में भी लिंक मिलेगा, इन दोनों जगह लिंक मिल जाएगा, या फिर आप डायरेक्ट सर्च भी कर सकते हो। अब आपको सर्च क्या करना है, सिंपली जाना है भाई टेलीग्राम पर, और यहाँ पर भाई आपको सर्च करना है @KPM Team Official, ठीक है। जैसे आप ये सर्च करोगे टीम ऑफी सीएल ये सर्च करोगे तो भाई आपको यहाँ पर हमारा चैनल दिखेगा। यूजर नेम ध्यान से देख लीजिएगा, सेम टू सेम यही यूजर नेम आपको सर्च करना है, तभी भाई आप हमारे चैनल पर आ पाओगे। और चैनल पर अगर आप आ जाते हो तो विनिंग कराने का काम मेरा रहेगा, बस आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है। यहाँ पर अगर बात करें डेट्स की तो भाई 25 तारीख यानी कि भाई आज मैच खेला जाएगा। टाइमिंग की अगर बात करें तो दोपहर को 3:30 पर मैच खेला जाएगा। वेन्यू की बात करें तो नैरोबी जिमखाना क्लब ग्राउंड मैचेज यहाँ पर खेल, क्लब का एक ग्राउंड है, और यहाँ पर भाई जो नैरोबी का क्लब है खुद का भाई इनका क्लब है जो ECS T10 में खेलता है, तो उनके काफ़ी सारे मैचेज होते हैं यहाँ पे। बाकी जो T20 के मैचेज वो काफ़ी कम देखने को मिलते हैं, बट फिर भी भाई यहाँ पर आप एक न्यूट्रल सा वेन्यू मान सकते हो, ना तो ज़्यादा ऐसा वेन्यू कि भाई आपको एक तरफा ही बैटिंग फ्रेंडली देखने को मिलेगा, ना ही ऐसा है कि यहाँ पर प्योरली बॉलर्स को हेल्प मिलेगी। वहीं बाकी लास्ट जो ECS T10 के मैच थे वो भी भाई यहाँ पर 7-8 महीने पहले हुए थे, तो ज़्यादा यहाँ पर कुछ कहने के लिए है नहीं कि पिच के बारे में। मैं ऐसे कंसीडर करके चल रहा हूँ कि एक न्यूट्रल विकेट रहेगी, लेकिन नेपाल यहाँ पर स्लाइटली स्ट्रॉन्ग टीम है अगर कंपेयर करें केन्या से, तो भाई यहाँ पर आप मान सकते हो कि अगर वो पहले बैटिंग करते हैं तो उनके हाई स्कोरिंग करने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। एवरेज स्कोर की बात करें तो 140 से 160 के बीच में आपको एवरेज स्कोर देखने को मिलेगा। वेदर की बात करें तो पार्शियली क्लाउडी रहेगा, बट बारिश के चांसेस बिल्कुल ना के बराबर यहाँ से रहने वाले हैं। वहीं अगर बात करें भाई केन्या की प्रोबेबल प्लेइंग 11+ प्लेयर्स के स्टेट्स की, तो आप यहाँ पर देख सकते हो शेम नगोचे आपको दिखेंगे, 41 मैच में 49 विकेट, 226 रन, बेहतरीन प्लेयर 100% पिक करने के लिए मतलब आपकी टीम में रहेंगे ये बंदे। इसके लिए इरफान करीम जो विकेट कीपिंग करते नजर आएंगे, 28 मैच में 566 रन, अगेन एक ऐसा प्लेयर जो आपकी टीम में रहेगा ही रहेगा। एलेक्स ओबांडा 42 मैच में 724 रन, अगेन भाई शानदार प्लेयर, ट्राई करिएगा। राकेब पटेल की बात करें तो 36 मैच में 672 रन, 9 विकेट, बेहतरीन प्लेयर है। बॉलिंग से ज़्यादा उम्मीद मत कीजिए, बट बैटिंग में भाई मान सकते हो कि कुछ ज़्यादा ही खतरनाक प्लेयर है। इसके अलावा भाई जो कोलिन सोबू है इनकी अगर बात करें तो भाई ये ना 41 मैच इन्होंने खेले और 828 रन है, प्लस 24 विकेट है, बहुत ही ज़्यादा खतरनाक प्लेयर है। इसके अलावा अगर यहाँ से बात करें तो भाई आप यहाँ पर सचिन बुडिया को ट्राई कर सकते हो, जो आपके लिए एक GL Mini GL की पिक रहेगा, 4 मैच में 1 विकेट है। इसके अलावा सुखदीप सिंह की बात करें 5 मैच में 17 रन, 0 विकेट, GL Mini GL में ही ट्राई कीजिएगा। वहीं अगर बात करें भाई यहाँ पर जो एलियाज ओटिनो है इनकी अगर बात करें
25 मैच में 25 विकेट मस्ट पिक रहेगा। इमानुएल बुंदी की बात करें तो अगेन एक शानदार प्लेयर रहेगा, 13 मैच में 14 विकेट निकाल चुका है। इसके अलावा एडंगे की बात करें तो आपके लिए 8 मैच में 4 विकेट निकाले, जीएल मिनी जीएल में इंपॉर्टेंट रहेगा, स्मॉल लीग में रिस्क ले सकते हो ड्रॉप करने का। वहीं अगर बात करें भाई लुचाक ओलुच की तो आप देख सकते हो जीएल मिनी जीएल के लिए ही ज्यादा अच्छा रहेगा, 10 मैच में 10 विकेट है। वहीं अगर बात करें नेपाल की टीम की तो संदीप लमिछाने द कैप्टन आपको खेलते दिखेंगे 29 मैचेज में, भाई यहाँ पर आप देख सकते हो 73 विकेट्स है, भाई बहुत ही खतरनाक प्लेयर है और आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। आसिफ शेख की बात करें तो 18 मैच में 444 रन मस्ट पिक। अरुण सौज की बात करें तो जीएल मिनी जीएल में ट्राई कीजिएगा। आरिफ शेख की बात करें तो रिसेंटली भाई इन्होंने इंटरनेशनल मैचेज में बॉलिंग कराना काफी कम कर दिया है तो इसीलिए विकेट आपको नहीं दिख रही, अदरवाइज भाई प्लेयर काफी अच्छा और बॉलिंग भी करवा लेता है। 27 मैच में 350 विकेट निकाल चुका। बाशीर अहमद की बात करें तो 15 मैच में 23 विकेट मस्ट पिक रहेगा। भीम सार की 2 मैच में कुछ खास है नहीं तो हम ज्यादा ट्राई नहीं करेंगे। देव खैनल की बात करें तो 10 मैच में 253 रन है, मेरे हिसाब से आपके लिए मस्ट पिक रहेंगे। इसके अलावा ज्ञानेन्द्र मल्ला की बात करें तो 40 मैच में 748 रन है, अगेन आपके लिए बहुत ही शानदार प्लेयर रहेगा, जरूर से ट्राई कर सकते हो। वहीं अगर बात करें रोहित पोंडेल की तो 16 मैच में 220 रन इन्होंने बनाए, आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेयर रहेगा, जरूर से अपनी टीम में रख सकते हो। इसके अलावा अगर बात करें आदिल अंसारी की तो जीएल मिनी जीएल में ट्राई कीजिएगा, स्टेट समय मिले नहीं। विवेक यादव की बात करें 5 मैच में 15 रन है, अगेन भाई जीएल मिनी जीएल के लिए आपके लिए अच्छा प्लेयर रहेगा बट स्मॉल लीग में रिस्क नहीं ले सकते। अब अगर बात करें भाई यहाँ पर डेमो टीम की तो वो भी मैं आपको बना के दिखा देता हूँ, लेकिन उससे पहले भाई आपको यहाँ पर एक बार मैं बता दूँ कि टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने में भाई 1 मिनट का भी टाइम नहीं लगेगा, पहले कर लीजिए, क्योंकि अगर आप भूल गए ना तो ये मान लीजिए कि आप इस मैच में अपनी विनिंग भूल जाओगे। टेलीग्राम चैनल जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। अब अगर बात करें भाई यहाँ पर डेमो टीम की तो सबसे पहले बात करते हैं भाई विकेट कीपिंग सेक्शन की, तो यहाँ से भाई अगर हम विकेट कीपिंग में चलेंगे तो यहाँ पर भाई आपको आई करीम देखने को मिलेंगे, इसके अलावा आसिफ शेख, दोनों आसे आपके लिए मस्ट पिक रहेंगे। और वहीं अगर बात करें बैटिंग में तो ए ओबांडा हमारे लिए मस्ट पिक रहे, आर कुमार पोडुल इंपॉर्टेंट रहेंगे, इसके अलावा एस बूढ़े को आप ट्राई कर सकते हो या फिर भाई आप यहाँ से जी मल्ला या आरिफ शेख इनमें से किसी को ट्राई कर सकते हो। इसके अलावा डी खनल की बात करें तो एक बार भाई मैं डी खनल के आपको स्टैट्स दिखाना चाहूँगा, यहाँ पर भाई इनके स्टैट्स कहाँ गया भाई, कहाँ पे यार इसके स्टेट्स मैंने देखे थे शायद कहीं ना कहीं पे, नेपाल की तरफ से। हाँ भाई बहुत ही शानदार प्लेयर है, ठीक है। और यहाँ पर आप देखिए भाई 10 मैच में 253 रन है, तो अगर भाई ये थोड़ा सा ऊपर बैटिंग करने आता है तो भाई आपके लिए मस्ट पिक रहेगा। सिर्फ 1% सिलेक्शन है भाई, और बस मेन दिक्कत कहाँ पे आएगी कि टीम इसको 6-7 नंबर पर ना खिला दे, अगर टीम इसको ऊपर खिलाती है ना तो भाई गारंटी के साथ आपको विनिंग करवाए। राखी पटेल मस्ट पिक रहेगा, डी सिंह आरी कैप्टनसी का बेहतरीन ऑप्शन, इवन भाई वीसी का भी ऑप्शन रहेगा और आपके लिए मस्ट पिक रहेगा। इसके अलावा भाई यहाँ से अगर बात करें तो केसी करण आपके लिए बहुत ही बेहतरीन प्लेयर रहेगा, अब आपको यहाँ से रिस्क लेकर ही चलना पड़ेगा, तो मैं यहाँ से आसिफ शेख के ऊपर अभी के लिए रिस्क ले रहा हूँ। और यहाँ से भाई अगर बात करें तो केसी करण हमारी टीम में 100% रहेगा, और अगर आप यहाँ से रिस्क ले सकते हो डी खैनल पर तो भाई यहाँ पर आप सी ओबुया को ट्राई कीजिएगा, बैटिंग बॉलिंग दोनों आपको करके देगा, बहुत ही शानदार प्लेयर है, ठीक है। अब अगर बात करें बॉलिंग सेक्शन की तो बॉलिंग सेक्शन भाई आपके लिए यहाँ से संदीप लमिछाने इंपॉर्टेंट रहेंगे, एस कांपी इंपॉर्टेंट रहेंगे। इसके अलावा यहां पर अगर आप चाहो तो आप यहां से ट्राई कर सकते हो कहा भाई ई बूंदी को, बहुत ही इमानुएल बूंदी बहुत ही शानदार प्लेयर है। अब यहां से भाई जो एक प्लेयर अगर आप एक्स्ट्रा लेकर जाना चाहो यहां पर नेपाल का, तो वो आप कैसे लेके जाओगे भाई, फिर आप सी ओबुया के ऊपर रिस्क लीजिए सिंपली, और यहां पर भाई या तो आप ट्राई कीजिए आरिफ शेख को या फिर आप यहां से बैटिंग सेक्शन में ट्राई कीजिए, या तो भाई आरिफ शेख को ट्राई कीजिए या फिर भाई बैटिंग सेक्शन में डी खैनल को। अभी के लिए मैं डी खैनल को ट्राई कर रहा हूँ, हो सकता है भाई ये 4 नंबर तक भी बैटिंग करने आया ना तो भाई मेरी टीम में बिल्कुल रहेगा, मैं बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। कैप्टनसी की अगर बात करें तो अगर देखिए यहाँ पर सबसे पहली मैं चीज़ आपको बताता हूँ, अगर भाई यहाँ पर पहले यहाँ पर बॉलिंग करती है नेपाल की टीम तो भाई आपके सी वी सी रहने चाहिए ये दोनों,
ठीक है, कैप्टन इनमें से किसी को और वीसी किसी को। अगर भाई पहले बॉलिंग करते, पहले बैटिंग करते नेपाल की टीम, तो भाई कैप्टन फिर आपका संदीप लमिछाने हो जाएगा और वीसी इन दोनों में से कोई एक हो जाएगा, ठीक है। सिंपली बस आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है। बाकी इनके अलावा कोई अपडेट आई तो वो मैं टेलीग्राम पर शेयर कर दूँगा। अभी के लिए मैं इन दोनों को इसी वीसी लेके चल रहा हूँ। हो सकता है फाइनल टीम में संदीप लमिछाने को मैं कैप्टन कर दूँ, क्योंकि भाई फाइनल टीम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में और इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी मिलेगा, या फिर भाई आप डायरेक्ट सर्च भी कर सकते हो। सर्च आपको क्या करना है, बहुत ही सिंपली आपको सर्च कर लेना है @KPM टीम, इतना लिखोगे तभी आपको हमारा चैनल दिखेगा। लेकिन आपको कंप्लीट यूजर नेम डालना, क्योंकि अभी हमारे चैनल पर भाई यहाँ पर जो फेक चैनल है वो नहीं बने हैं, तो यहाँ पर भाई अभी आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन जैसे ही यहाँ पर फेक चैनल बनने लग जाएंगे तो भाई वहाँ पर फिर आपको दिक्कत आ जाएगी, ठीक है। तो अभी के लिए आप इस चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। बाकी जो भी मेरी फाइनल टीम रहेगी वो मैं आपको टेलीग्राम पर अपडेट कर दूंगा। अभी के लिए आप इस टीम को सेव कीजिएगा। मिलता हूँ दोस्तों आपसे मैच टाइम पर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।